ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे सिट्रस साइला, नींबू का साइला। जैसे नाम से ही पता है तो इसका हाउस प्लांट कौन सा रहेगा? नींबू। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली साइलिडी, और साइंटिफिक नेम की बात करें तो डिफोरेना साइट्री। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो होस्ट प्लांट हैं वो कौन से हैं। होस्ट प्लांट इसके रहेंगे नींबू वर्ग के सभी पौधे। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं हम कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भारतवर्ष के अलावा अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो चीन, फार्मोसा, जापान, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो डैमेज है वो किस तरह से होता है ना। डैमेज जो है, जो डैमेज पहुंचता है वो कैसा होता है? तो यह जो कीट है ये बहुत हानिकारक कीट है, जिसे नींबू का साइला या सिट्रस साइला कहते हैं। इसकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि यह पेड़ कम रहने पर भी जो पेड़ है वो बीमार सा दिखाई देता है, और फिर धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। और ऐसे पेड़ हमें सर्दी के मौसम में दिखाई देते हैं। गर्मी में कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए होते हैं, जो सर्दी में हमें बीमार जैसे दिखाई देते हैं। और इस इंसेक्ट के प्रौढ़ और शिशु दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं, परंतु जो शिशु है वो अधिक हानि पहुंचाता है, जबकि जो प्रौढ़ है या एडल्ट है वो कंपैरेटिवली कम हानि पहुंचाते हैं। ये कोमल पत्तियों और शाखाओं के रस चूस लेते हैं, और रस चूसने से क्या होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो पत्तियां हैं, कलियां या फूल है वो मुरझा जाते हैं और मुरझाकर सूख जाते हैं। थोड़े बहुत फल लगते हैं, वो पकने से पूरे भी झड़ जाते हैं। और ये जो शिशु, इसके जो इंसेक्ट के निम्फ है या शिशु है, वो मधुस्राव सीक्रेट करते हैं, जिस पर काले रंग की फफूंद भी लग जाती है, और काले फफूंद लगने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है, या उस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर इसका इफेक्ट होता है। और यह जो कीट है ये ग्रीन वायरस को भी फैलाता है, यह जो कीट ग्रीन वायरस को फैलाता है, और अगर इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह इसका जो प्रकोप है वो एक या दो साल तक रेगुलर बना रहता है, और जो ग्रसित प्लांट है वो पूरा ही नष्ट हो जाता है, और इस प्रकार क्या है, पूरे के पूरे बाग तक भी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है। लाइफ साइकिल में हमारे पास तीन अवस्थाएं हैं, एक एग, सेकेंड निम्फ और थर्ड एडल्ट। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तीन स्टेजेस में दो प्रकार की होती है, एग लार्वा और एडल्ट, या फिर एग, निम्फ और एडल्ट। और अगर फोर स्टेजेस है देन एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इसमें हमारे पास तीन स्टेजेस पाई जाती हैं। और एग की बात करें तो ये जो इंसेक्ट है वो पूरे साल ही एक्टिव रहते हैं, परंतु सर्दी में कम दिखाई देते हैं। और जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है वो फरवरी मार्च में होती है। देखिए इसमें किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस का पाया जाता है, इनकम्प्लीट पाया जाता है। टोटल लाइफ साइकिल इनके 18 से 25 दिन में पूरी हो जाती है, और एक साल में 8 से 9 जनरेशन मिलती है। जो फीमेल कीट है वो पत्तियों और शाखाओं में लगभग 500 अंडे देती हैं, और ये दो या तीन समूह में पंक्तियों में देती हैं। और ये दिखाई देने में आड़ू के आकार के होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। निचला सिरा पौधों के जो टिश्यूज है उसमें फंसा रहता है। जो एग्स हैं वो गर्मियों में 4 से 6 तथा सर्दियों में 10 से 20 दिन में हैच होते हैं। नव हैचिंग का जो टाइम है
वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वेरिएशंस देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके जो निम्फ होते हैं वो कैसे होते हैं। अंडों से जो निम्फ निकलते हैं वो पीले रंग के होते हैं और एक स्थान पर इकट्ठे होकर जो कोमल पत्ती हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं और बाद में धीरे धीरे पूरे ही पौधे पर फैल जाते हैं। और इसमें जो निम्फ है उसमें 5 इंस्टार होते हैं जो अप्रैल से सितंबर में, 10 से 11 दिन, और बसंत ऋतु में मीन्स जब थोड़ी सी सर्दी रहती है तब 15 से 20 दिन, और सर्दी जब होती है जनवरी या फरवरी में 34 से 36 दिन में पूर्ण विकसित होते हैं। मीन्स इनका जो डेवलपमेंट टाइमिंग है या जिनका वृद्धि करने का विकसित होने का टाइमिंग है वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो पत्तियों की निचली सतह पर चले जाते हैं जहाँ पर यह है प्रोड में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनके जो प्रोड है वो कैसे होते हैं। जो प्रोड की क्या है, यह जो एडल्ट होते हैं वो लगभग 3 mm लंबे होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, और पत्तियों के ऊपर जब ये बैठते हैं तो आंख बंद करके ये इंसेक्ट बैठता है और इसका पिछला हिस्सा ऊपर की ओर मुड़ा रहता है। प्रोड कीट है जो 4 से 8 दिन के बाद कॉपुलेशन की क्रिया को करते हैं, और उसके बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग देना शुरू कर देती है, और फीमेल जो है वो मेल के कंपैरेटिवली अधिक दिनों तक जीवित रहती है। गर्मियों में ये 12 से 26 दिन तक और सर्दियों में 190 दिन तक जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। और मई जून की गर्मी में जो प्रोड है वो अधिक मिलते हैं और अगस्त तक इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है, और उसके बाद ये जाड़े की ऋतु में इनकी संख्या या जब विंटर सीजन होता है तो इनकी संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाती है। गर्मियों में इनका जो लाइफ साइकिल है वो 15 से 25 दिन में पूरा होता है जबकि सर्दियों में अधिक दिन लगता है, और 1 साल में 8 से 9 पीढ़ियाँ मिलती हैं, वो ओवरलैपिंग पीढ़ियाँ मिलती हैं। मीन्स एक पीढ़ी के बाद ऊपर ही दूसरी पीढ़ी की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कंट्रोल या इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पौधों पर जो है अगर प्रकोप हो जाता है तो मिथाइल डिमेटोन, इमिडाक्लोप्रिड, मिथोक्साम, और इसकी दी हुई ये लिमिटेड जो डोज है या जो एक निश्चित अमाउंट है, निश्चित मात्रा है, ये पानी में मिलाकर उनके ऊपर छिड़काव किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनार की तितली या अनार बटरफ्लाई। अनार की तितली या अनार बटरफ्लाई जो कि ऑर्डर है इसका लेप्टोप्टेरा, फैमिली है लाइकेनिडी, और साइंटिफिक नेम या जीनस स्पीशीज की बात करें तो ड्यूडोरिक्स इसोक्रेट्स। तो इस प्रकार अनार की तितली के नाम से क्लियर है कि ये क्या है, फ्रूट्स का पेस्ट है। तो पोषक पौधे देखते हैं हम इसके, होस्ट प्लांट्स अनार, अमरूद, लोपाट, इमली, संतरा, आंवला, सेब, सीताफल, चीकू आदि जो प्लांट्स हैं वे इसके होस्ट प्लांट्स हैं। मीन्स जो इनको ये इंसेक्ट इन सभी प्लांट्स को, इन सभी फ्रूट प्लांट्स को डैमेज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इनका, ये पूरे ही भारतवर्ष में पाया जाता है, और नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं किस प्रकार इसकी कौन सी अवस्था प्लांट्स को डैमेज करती है। तो यह जो मेन जो पेस्ट है वो अनार का रहता है, अनार का प्रमुख कीट माना जाता है, और यह भारी क्षति पहुंचाता है। इसकी सुंडी अवस्था हानिकारक होती है और सुंडी फल के अंदर प्रवेश करती है, और जहाँ से ये फ्रूट के अंदर प्रवेश कर जाती है वहां से ये अपनी एक्सट्रीटरी प्रोडक्ट से उस छेद को बंद कर देती है। कभी कभी पानी सा निकलता भी है और इसमें से स्मेल भी आने लगती है, और फल में इस प्रकार वाउंड हो जाने से वहां पर कवक और बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है और इन फ्रूट्स में स्मेल आने लगती है, और फिर ये खाने के लायक नहीं रहती।
और अगर बहुत ज्यादा ग्रसित फल हो उसमें 6 से 8 सुंडियां ही भी पाई जा सकती है, और यह जो फल है वो सड़कर गिर भी जाता है। 40 से 90% तक जो फसल है वो इससे डैमेज हो जाती है। बिहार, बंगाल और कर्नाटक में इससे काफी क्षति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रहती है, या इसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो एग की जब बात करते हैं तो पॉपुलेशन की क्रिया के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो सफेद चमकदार अंडे फूलों के आधारों पर, फलों पर या फूलों और फलों के पास पत्तियों पर देते हैं, और एग हैचिंग का जो टाइम है वो 7 से 10 दिन का रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लार्वा, जो कि इसकी क्षति पहुंचाने वाली अवस्था होती है। लार्वा जो होते हैं या जो सुंडी है वो पत्तियों को खाने के बजाय फल के अंदर प्रवेश कर जाती है, और पहले इसके गूदा खाते हैं और फिर धीरे धीरे इसके बीजों को भी खा जाती है, और यह शरीर से मजबूत होकर मटमैले रंग की और लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी बॉडी पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और यह फल के अंदर प्रवेश कड़े आवरण में छेद करके बाहर भी आ जाती है, और धागे से बुनकर फल को तने से बांध देती है ताकि फल गिर न सके। और लार्वा अवस्था जो रहती है वो 18 से 47 दिन की रहती है। नेक्स्ट देखते हैं प्यूपा। प्यूपा क्या होता है कि लार्वा अपने बाहर एक कोटिंग या एक गोया बना लेता है, कोकून बना लेता है। तो विकसित लार्वा होता है वो फल के अंदर या तने में जिस पर फल लगा होता है वहां पर ये कोश में या प्यूपा में बदल जाते हैं, और यह भूरे रंग का होता है, और जो प्यूपा स्टेज है वो 7 से 14 दिन की, और सॉरी 7 से 34 दिन की होती है, जो मौसम के अनुसार चेंज भी हो जाती है। टेम्परेचर वेरिएशन से इसमें भी वेरिएशन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोड, जो फीमेल इंसेक्ट है या जो बटरफ्लाई है वो पर्पल ब्राउन कलर की होती है और पंखों पर नारंगी रंग का पैच लगा होता है, और इसकी जो मेल होता है इस इंसेक्ट में जो मेल बटरफ्लाई है वो पर्पल रेड कलर की होती है, और पीछे के पंखों में पूंछ की तरह प्रोलोगेशन होता है। इनकी जो लाइफ साइकिल की बात करें तो वो 33 से 93 डेज में पूरा हो जाता है, और ये जो इंसेक्ट है पूरे साल ही सक्रिय रहता है। लार्वा और टेम्परेचर के साथ साथ इसका जो लार्वा स्टेज है या जो प्यूपा स्टेज है उसका टाइमिंग बढ़ता और घटता रहता है, और उत्तरी भारत में इसकी 3 से 4 पीढ़ियां पाई जाती हैं एक साल में, जबकि कर्नाटक में एक साल में 5 से 7 पीढ़ियां मिलती हैं।